ग्वालियर में कांग्रेस एवं यूथ कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया एवं नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अशोक सिंह, पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा एवं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हेवरन सिंह कंसाना सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, यह पुतला दहन ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर शनिवार सुबह किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी पर वे चुप्पी साध कर बैठे हैं। इसी तरह खाद तेलों ने भी अब तक की सर्वोच्च ऊंचाई छू ली है, लेकिन आम लोगों को राहत देने की बजाय केंद्र सरकार दिन पर दिन आम लोगों की थाली से निवाला छीनती जा रही है। खासकर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोग इस महंगाई से बुरी तरह हाहाकार कर रहे हैं। कांग्रेस की चेतावनी है कि यदि केंद्र सरकार ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा, क्योंकि आम लोग इस महंगाई से बुरी तरह टूट चुके हैं। महंगाई के विरोध में, केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जिस तरह से डीजल और पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, आम जनता परेशान है। एक आम नागरिक परेशान है महंगाई को लेकर, और उसके विरोध में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम युवक कांग्रेस ने किया है, उसी में हम सब लोग सम्मिलित हैं। आज हमने महंगाई को लेकर यहाँ फूलबाग चौराहे पर पुतला दहन किया महंगाई का, कि जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी लगातार चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमत हो या खाद्यान्न सामग्री की कीमत हो, लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर निकल गया, आपने सरसों के तेल की कीमत देखी हो 200 को छी रही है। इधर लोग महामारी से परेशान है, इधर लगातार पेट्रोल डीजल और खाद्यान्न सामग्री की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसके लेकर ग्वालियर यूथ कांग्रेस ने आज फूलबाग पर महंगाई का पुतला दहन किया। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।